वहाँ स्टूडियो पनास। तो इसका कंसेप्ट ही वही था जो भाई स्टूडियो अपार्टमेंट हम इसको डिजाइन करेंगे। तो इसमें मेन कंस्ट्रेंट जो अपने साथ था जो फर्नीचर को फाइनल करना, मेन स्पेस एलोकेशन कैसे कहा आपका सारे, मतलब स्टूडियो का साइज जो है लगभग अपना 450 स्क्वायर फीट से आसपास है, तो उसके अंदर सब कुछ प्रोवाइड करना है। तो स्पेस एलोकेशन फर्नीचर का किस हिसाब से प्रोवाइड करना है वो अपना आर्किटेक्टर, इंटीरियर कंसल्टेंट, इवन जो सप्लायर है अपना, अलग अलग जो सप्लायर अपना फर्नीचर का है उनके साथ हमने बिल्कुल डिस्कस किया, ड्राइंग उससे लिया, फिर उसको अप्रूवल आर्किटेक्ट अपना जो मैनेजमेंट है उससे सबसे अप्रूव्ड होने के बाद फिर हमने फाइनल किया। डायनेस्टी में हमने जो प्रोडक्ट यूज़ किया यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे तीन टाइप का फ्लैट है, एक स्टूडियो है, 1 BHK है, 2 BHK है। तो इसमें कंप्लीट जो फर्नीचर है, जैसे स्टूडियो एग्जांपल स्टूडियो का बात करें, सोफा कम बेड, उसके बाद आपका मॉड्यूलर किचन, ओवरहेड काउंटर, टीवी कैबिनेट, वार्डरोब, ये तो एक स्टूडियो अपार्टमेंट हो गया। फिर 1 BHK में बात करें तो उसमें बेड है, साइड टेबल है, टीवी कैबिनेट हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, सोफा कम बेड है, वार्डरोब हो गया, और 2 BHK में एक्स्ट्रा हमने डाइनिंग टेबल आ गया, शू रैक आ गया, और बाकी जो चीज़ आपको पहले बताया वो सारी चीज़ लिया है ना। ये सब कुछ हमने फर्नीचर, कंप्लीट फर्नीचर जो है इस प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं, सारे जो भी फर्नीचर का काम है ये टोटली डायनेस्टी से ही है। फिनिशिंग एंड क्वालिटी जो है इसमें, फिनिशिंग क्वालिटी का पहले भी मैंने जिक्र किया, क्वालिटी में ऐसा अपने तक 1.5 साल हो गया मटेरियल फुल्ली ऑक्यूपाइड है देखा जाए इस प्रोजेक्ट और यूज हो रहा है, तो इसमें सच एज कोई इशू तो आया नहीं है। छोटा मोटा जो भी इशू आता है मैं बताया, जैसे कोई आप यूज़ करो सोफा कम बेड होता हो सकता है, उसमें चैनल जो है चैनल का अलाइनमेंट थोड़ा सा हो गया, मॉड्यूलर किचन में आपका जो चैनल होता है वो उसको फिर उनका मेंटेनेंस जो ऑन कॉल आ जाता है उसको रिपेयरिंग कर देते हैं। दूसरा चीज़ आपका मटेरियल जो उन्होंने यूज़ किया एज़ पर स्पेसिफिकेशन जो हमने तय किया बिल्कुल आया, और बीच बीच में हमने जैसे उनका फैक्ट्री में भी इंस्पेक्शन किया, जो उन्होंने कमिटमेंट किया वहाँ जाके कभी भी चेक कर लो, कमिटमेंट अपने को दिखता है उसमें, कोई उसमें टॉलरेंस रखता ही नहीं। अगर कोई मटेरियल डिलीवर होने के बाद साइट में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, हमने अगर कंप्लेन करी ये मटेरियल अपना एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो तुरंत चेंज हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव है जिसको कहते हैं। देखो क्वालिटी एक मतलब जितना उसका वैल्यू लगाओगे उतना क्वालिटी बढ़ते जाएंगे, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव एक इम्पॉर्टेंट है, जो क्वालिटी के साथ कॉस्ट का कितना इम्पैक्ट है वो मैं मेरे हिसाब से डायनेस्टी का उस कंसिडरेशन में बहुत अच्छा है। जब हम इस प्रोजेक्ट के लिए फर्नीचर के लिए हम वर्किंग कर रहे थे तो इनिशियली अपना यही था, हम जैसे चाइना से भी आया, इटली से भी आया, सैम्पलिंग भी किया था, लेकिन उस केस पे फर्नीचर तो हमने लगा लिया था, लेकिन अपने साथ वही एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका शेड्यूलिंग एक्चुअली क्या है, डिलीवरी शेड्यूलिंग, दूसरा उसका इंस्टॉलेशन। एक तो डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, वो इंस्टॉलेशन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हमने फिर डायनेस्टी को चुना, डायनेस्टी को चुनने के क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बाहर और इनका अगर क्वालिटी देखें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा सबसे कंफर्टेबली क्या है, इनका इन हाउस इंस्टॉलेशन टीम है, जब क्वालिटी अपना इंडिया में मिल रहा है डायनेस्टी में मिल रहा है तो हम बाहर से क्यों, और सेम रेट में ही आ रहे हैं।